दोस्तों आज मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने गेहूं के आटे से बना हुआ बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही स्पंजी वनीला केक की रेसिपी। और दोस्तों यकीन मानिए, इतना सिंपल और इतना आसानी तरीके से मैंने आपको बताया है आज के इस वीडियो में कि आप भी अपने घर पे इसको जरूर ट्राई करोगे। आज की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ना ही दूध इस्तेमाल किया है, ना ही अंडे का इस्तेमाल किया है, ना ही मैदे का इस्तेमाल किया है और ना ही ओवन में बेक किया है। उसके बावजूद भी आज का केक बहुत ही स्पंजी बहुत ही फ्लफी बना है, आप देख सकते हैं। और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा जरूर, और का फोटो आप जरूर भेजिएगा अगर आप ट्राई करते हो तो। और मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे बटर मिल्क। तो बटर मिल्क मैंने लिया है आधा कप, और उसके बाद यहाँ पे आधा कप मैं ले रही हूँ चीनी। और इन दोनों को जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे बटर मिल्क कैसे बनता है, आपको 2 चम्मच दही में आधा कप पानी डाल करके उसको अच्छे से मिक्स कर ले, आपका बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1/4 कप यहाँ पे मैं ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल, और इसको डाल करके भी काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ गेहूं का आटा 1 कप, और उसके बाद एक आधा कप चम्मच के आसपास मैं ले रही हूँ यहाँ पे बेकिंग सोडा, और इन दोनों को डाल करके काफ़ी अच्छे से छान लेंगे, जिससे क्या होगा इसके अंदर लम्स वगैरह होंगे तो वो काफ़ी अच्छे से निकल जाएंगे। और उसके बाद काफ़ी अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे, जब तक कि आपको एक बहुत ही बढ़िया स्मूथ बैटर नहीं मिल जाता है तब तक इसको मिक्स करें। और उसके बाद लास्ट में डालेंगे हम 3 से 4 ड्रॉप यहाँ पे वनीला एसेंस डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आता है। वनीला केक है तो वनीला एसेंस डालना ज़रूरी है, और इसको डाल करके बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, और हमारा जो बढ़िया स्मूथ बैटर जो है इस कंसिस्टेंसी का रेडी हो चुका है। अब चलते हैं अगले स्टेप में। दोस्तों अगले स्टेप में यहाँ पे मैंने लिया है एक जो आप देख सकते हैं स्टील का बहुत ही अच्छा सा बर्तन है, फ्लैट है, और इसमें सबसे पहले यहाँ पे तेल लगा के काफ़ी अच्छे से इसको स्मूथ करेंगे, इसको जो है ग्रीस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो बना हुआ बैटर हमारा वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, और ट्रांसफ़र करने के बाद एक बार इसको टैप टैप कर ले इस तरह से, ताकि काफ़ी अच्छे से सेट हो जाए नीचे। और उसके बाद यहाँ पे बेक करने के लिए मैंने कुकर लिया है, कुकर को 2 मिनट तक प्री हीट कर लिया है, और उसके बाद इसमें स्टैंड डाल दिया है, और उसके बाद हमने जो बैटर डाला हुआ बर्तन है इसके अंदर रख देते हैं। और रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ढक्कन लगा देना है कुकर का, और ढक्कन लगाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका जो विसल होता है सीटी होता है उसको निकाल दे, और उसका 40 मिनट तक इसको आप लो फ्लेम पे जो है बेक करें। 40 मिनट तक बेक होने के बाद जो है केक काफ़ी फ्लफी और काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं टूथपिक या फिर किसी भी चाकू की मदद से, अगर टूथपिक क्लीन निकलता है तो इसका मतलब आपका केक बहुत ही बढ़िया से बेक हुआ है। और उसके बाद इसको काफ़ी अच्छे से ठंडा करने के बाद जो है इसको हम अनमोल्ड करेंगे। ठंडा कभी भी अनमोल्ड करें तो ठंडा करने के बाद करें, इससे क्या होगा आपका केक जो है बहुत ही अच्छे से निकलेगा, किसी भी बर्तन में से वो चिपका हुआ नहीं रहेगा। तो इसके ऊपर इस तरह से कोई भी एक प्लेट रख करके इसको पलट दीजिए पीछे की ओर, और उसके बाद एक बार इस तरह से टैप करिएगा तो काफ़ी अच्छे से ये निकल जाएगा। ये देखिए तो बहुत ही सुपर फ्लफी हमारा जो है केक देख सकते हैं बन करके रेडी है, बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है, बहुत ही बढ़िया बना है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही मस्त फुला है, बहुत ही फ्लफी है, बहुत ही स्पंजी है। ये देखिए बहुत ही सिंपल और आसान केक है आज का ये वनीला केक, मैंने इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं किया है। आप भी अपने घर पे अभी ट्राई कर सकते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, सभी को मीठा खाने का मन करता ही रहता है, तो सभी लोग ऐसा केक चाहते हैं जो झट से बन जाए, सिंपल तरीके से बन जाए। और मेन खास होता है कि आपके घर पर सारा सामान अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर केक देखिए बहुत ही स्पंजी और बहुत ही फ्लफी बना है, मैंने आपको यहाँ पर काट करके दिखाया है, यहाँ पर एक पीस को मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बना है। तो दोस्तों आप भी अपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपका केक अच्छा बनता है या फिर कैसा बनता है आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा बनता है तो मुझे दोस्तों फोटो खींच के भेजना बिल्कुल भी ना भूले, फेसबुक पेज पे भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। और अगर ऐसी रेसिपीज देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आप सबसे फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।